हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल द सुपर माइंड्स। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 से होने वाली पोस्टिंग अदर देन दिल्ली स्टेट। ठीक है, तो हम बेसिकली इसमें साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल, मुंबई एंड जो ऑल इंडिया पोस्टिंग आप लोग कह सकते हो पोस्ट हैं, उन सारी पोस्ट को हम लोग कवर करेंगे। बेसिकली जो हमारा हाईलाइटेड एरिया होगा वो होगा हमारा साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड मुंबई। तो साउथ इंडिया में आप लोगों का सब केरला, बेंगलोर, ये सारे स्टेट्स आ जाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि अब ये क्या है, ये डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज फॉर रीजन साउथ इंडिया एंड वेस्ट बंगाल एंड मुंबई। ठीक है, तो फर्स्ट पे आप लोगों को दिख रहा है इनकम टैक्स सीबीडीटी डिपार्टमेंट, जिसमें कि मोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली, ठीक है, मैं आप लोगों को इसका वो भी स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, ये है सीबीडीटी इनकम टैक्स का। ठीक है, तो ये आरटीआई का रिप्लाई था, ठीक है, जो आप लोगों के पास भी होगा काफ़ी। तो इसमें बेंगलोर की आप लोगों को वैकेंसी दिख रही होगी 154 है, ठीक है, और देखा जाए तो चेन्नई की आप लोगों को वैकेंसी दिख रही है 148 है, ठीक है, हैदराबाद की आपके पास 66 वैकेंसीज है, ठीक है, कोलकाता की में भी 218, यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और मुंबई की, ठीक है, 134 वैकेंसी। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जिन बच्चों को पोस्टिंग चाहिए तो इस पोस्ट को वो लोग, ठीक है, रैंक वन पे रख सकते हैं, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, चाहे मार्क्स कैसे भी हों, इस पोस्ट को रैंक वन पे रख सकते हैं जिन बच्चों को साउथ इंडिया, वेस्ट बंगाल या मुंबई में पोस्टिंग चाहिए। क्योंकि इसमें बेसिकली जो एलोकेशन है, ठीक है ना, वो मेरिट वाइज होगा, मेरिट बेस्ड, ठीक है, ये लोग नोटिस निकालेंगे, नोटिस इशू करेंगे, तब आप लोगों को मेरिट बेस्ड एलोकेशन होगा इस डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो सेकंड डिपार्टमेंट आपको दे रखा है कस्टम एंड एक्साइज, ठीक है, सीबीआईसी, ये ग्रेड सी का है, इसमें टोटल 141 वैकेंसीज है, इसमें भी सेम मेरिट बेस्ड एलोकेशन है, ठीक है, इसमें भी आप लोगों को साउथ इंडिया में बेंगलोर, वेस्ट बंगाल और मुंबई में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और एक है आपका सीएजी, ठीक है, ये भी ऑल ओवर क्या कहते हैं इंडिया ही पोस्टिंग होती है इसकी, ठीक है, और सीएजी के बेसिकली बेंगलोर, ठीक है, मुंबई, ठीक है, और वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तो इनके ऑफिसेज है ही। तो जिन बच्चों को यहाँ पे पोस्टिंग चाहिए अदर देन दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और वेस्ट बंगाल के, तो वो लोग इस सीएजी को भी प्रेफरेंस में ऊपर रख सकते हैं, समझ रहे हैं। और वैसे सिमिलरली अगला जो डिपार्टमेंट है वो है सीजीडीए, ठीक है, कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट, ठीक है, तो इसमें भी 112 वैकेंसी है टोटल। तो ये इसकी भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है, जिसमें मेजर सिटीज यही आती है, बेंगलोर, मुंबई, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो इसको भी आप लोग सीएजी के बाद रख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसके अंदर भी जो मेजर सिटीज होती है बेसिकली चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, बेंगलोर, ये सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है, और इसमें मेजर एयरपोर्ट जितने भी है ना वहाँ पे पोस्टिंग होती है, इसमें 15 वैकेंसी थी ऑल ओवर। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, इस डिपार्टमेंट में वेस्ट बंगाल जो अर्बन सिटीज़ है बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ पे आप लोगों को पोस्टिंग देखने को मिल सकती है, वेस्ट बंगाल आ गया, मुंबई आ गया, ठीक है, दिल्ली में ही पोस्टिंग हो सकती है इसमें, ठीक है, और मोस्टली अर्बन सिटीज़, 25 वैकेंसीज है इसमें टोटल, आप लोग इसको भी ऊपर रख सकते हैं प्रेफरेंस में, ठीक है। अगला है हमारे पास सीएटी, ठीक है, दैट इज़ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, इसमें क्या है, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, ठीक है, और ये सीओडी की मिक्स वैकेंसीज है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे पोस्टिंग हो सकती है इसमें। अब पता नहीं पोस्टिंग वो लोग किस बेस पे करते हैं, बट ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, और होपफुली मेजर सिटीज़ जो है हमारी, ठीक है, उनमें पोस्टिंग आप लोगों को देखने को मिल सके, क्योंकि बड़ी पोस्ट है ये, ठीक है, ग्रेड सी में भी और ग्रेड डी में भी, ठीक है, और काम भी होता है, और काम सब ज़्यादा मेजर सिटीज़ जो होती है, ठीक है, उन्हीं में ही देखने को हमको मिलता है, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसमें बेसिकली मेनली कोस्टल एरियाज कवर होते हैं, ठीक है, तो चेन्नई, मुंबई, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, तो ऐसे जो स्टेट्स हैं आप लोगों को, ठीक है, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये सारे, तो कोस्टल एरियाज, कोस्टल जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे आप लोगों की पोस्टिंग हो सकती है, इसमें 8 वैकेंसी थी, ठीक है, ये दिल्ली बेस्ड स्टेट्स नहीं है सारे। और दूसरा है आपका आईबी, ठीक है, और आईबी में क्या है, 37 वैकेंसीज है, इसमें भी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग है, समझ रहे हो आप लोग। हाँ, बस ये है कि इसमें आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ नहीं, तो दूसरी जो वाई सिटीज़ होती है ना, वाई कैटेगरी सिटीज़, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग को पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। मान लो कोई मध्य प्रदेश से है, ठीक है, महाराष्ट्र से है, औरंगाबाद से या भोपाल से है, तो ऐसी जगह पे भी पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। कोई झारखंड से है तो झारखंड में भी इसकी पोस्टिंग होती है, ठीक है, तो ऐसी जगह पे भी बच्चों को वैकेंसी मिल सकती है, जो यहाँ के बच्चे हैं, ठीक है। तो
आज की वीडियो में इतना ही था, ठीक है। ये अदर देन पोस्ट थी जो मैंने आप लोगों को बताई है सारी, और क्योंकि दिल्ली वाली वैकेंसीज तो आप लोगों को काफ़ी जगह देखने को मिल गई, दिल्ली बेस्ड वैकेंसीज तो, ठीक है, ऑल ओवर दिल्ली में, मतलब क्या क्या मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट्स में आप लोग को पोस्टिंग मिल सकती है, ठीक है। वो तो लगभग यूट्यूब पे हर जगह ही हर कोई बता रहा है, बट अदर देन दिल्ली के जो बच्चे हैं, ये वीडियो मतलब बेसिकली उनके लिए था, ताकि उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहे, ठीक है। ओके गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।